तो जहरीले सांपों से दोस्ती खतरे से खाली नहीं होती है, लेकिन हम आपको आज ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो दोस्ती ही जहरीले सांपों से करता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इनको सर्प मित्र के नाम से जाना जाता है। मनीष साहू अब तक 1000 से अधिक जहरीले खतरनाक सांपों की जान बचा चुके हैं। शहर हो या गांव, हर जगह की टीम स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन चला चुकी है। स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जहरीले नागों को और अजगरों को घरों में सुरक्षित छोड़ दिया जाता है। मनीष साहू छिंदवाड़ा जिले के मुखेड़ विकासखंड के रहने वाले हैं। मारने वालों से बचाने वाला बड़ा होता है, यह कहावत उन पर सटीक बैठती है। सूचना मिलते ही मनीष जहरीले सांपों को जीवित सुरक्षित पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी उनको सांपों ने ढसा नहीं हो, काटा नहीं हो। बावजूद इसके मनीष भारतीय संस्कृति में देवतुल्य सर्पों को पकड़ना नहीं छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से उनको बुलाया जाता है। मनीष का कहना है कि सर्प पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग इनका शिकार करते हैं तो कुछ लोग इनको बेवजह डर के कारण मार देते हैं। यही कारण है कि सर्पों की कुछ प्रजातियां विलुप्त होती चली जा रही हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति और पर्यावरण के लिए जमीन पर रेंगने वाले सभी जीव जंतुओं का जीवित होना बेहद जरूरी है। जहरीले सांपों के दोस्त मनीष को शासन प्रशासन से किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिलती है। बावजूद इसके यह मानवता की सेवा कर रहे हैं और जहरीले जीवों से मानव जीवन को बचा रहे हैं, तो साथ ही वो जैसे जीव जंतुओं को भी जीवन दे रहे हैं। बीते 5 सालों से लगातार मनीष साहू बखूबी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आदर्श न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से पत्रकार आशीष मालवीय की रिपोर्ट। आज हमारे साथ मौजूद है मौकड़ से सर्पमित्र भाई मनीष साहू जी। मनीष साहू जी, आपका स्वागत है। मनीष साहू जी, बताइए आप कब से सर्प पकड़ने का काम कर रहे हैं? सर, मैं इन सांपों को पकड़ने के लिए लगभग 3 से 4 सालों से कर रहा हूँ काम। अच्छा, लगभग कितने सांप पकड़ चुके होंगे? सर, मैंने अभी तक 700 से 900 सांप पकड़ चुके हैं। अच्छा, तो ये मतलब आप सांप गांव में पकड़ते हैं, बाहर से कॉल आता है तो बाहर भी जाते हैं? बाहर भी जाता हूँ, गाँव में भी पकड़ता हूँ। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कभी भी जब भी फोन आया मेरे पास रेस्क्यू के लिए, मैं बराबर पहुँचा हूँ और लोगों की मदद किया है मैंने। अच्छा, और इन्हें पकड़ के आप पुनर्वास के लिए कहाँ छोड़ते हैं? सर, मैंने पुनर्वास के लिए जंगल में छोड़ता हूँ, जिससे हमारी प्रकृति स्वच्छ रहती है, साफ रहती है। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई मानदेय वगैरह ऐसा कुछ आपको भी मिल रहा है? सरकार की तरफ से कोई मानदेय नहीं मिलता, हम अपनी जान की रिस्क से लेके अपना काम करते हैं, इन बेचारों को बचाते हैं, अपनी प्रकृति को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं हम। और सरकार से यही अनुरोध है कि हमें भी कुछ ऐसा मानदेय मिले, हमारे सर्व मित्र भाइयों को सबको ऐसा मानदेय मिले, जिससे हम अपना गुजर बसर भी कर सके, बीमा मिल सके हमको कुछ समय के लिए, कुछ थोड़ा बहुत, जिससे हमारा परिवार को का ध्यान रख सके, या हमें कुछ होता है तो हमारा परिवार को उस बीमा की सहायता राशि से अपना गुजर बसर कर सके। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि इन बेजवानों को मारे नहीं, इन्हें बचाएं और अपनी प्रकृति को बचाएं, और जो भी कोशिश बनती है इन बेजवानों को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सके तो मेरी मदद ले सकते हैं, मेरे सर्व मित्रों की मदद ले सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।